नमस्कार, आप देख रहे हैं अंग न्यूज रफ्तार और मैं हूं मोना। आचार संहिता का पालन करना सभी को अनिवार्य। जिला अधिकारी भागलपुर। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर पूरे देश में आज से आचार संहिता लागू हो गया है, जिसको लेकर आज जिला अधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कई बिंदुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और विभाग के सभी पदाधिकारी को भी इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज से पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गया है। वहीं 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव 2024 का पहला चरण शुरू हो जाएगा। वहीं भागलपुर में 26 अप्रैल को दूसरे चरण में चुनाव होना सुनिश्चित हुआ है। इसको लेकर 144 धारा लागू हो गई है। अब किसी भी जगह पर 5 लोगों से अधिक लोग अगर इकट्ठा होते हैं तो उसके लिए लिखित आदेश लेना होगा। साथ ही किसी भी वाहन में अगर राजनीतिक दल के पोस्टर सटे होते हैं तो उसके लिए भी आदेश लेना होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक सभा करने से पहले आदेश लेना होगा और एक जगह दो राजनीतिक दल इकट्ठा ना हो, ना ही कोई आम सभा करें। वहीं उन्होंने कड़े शब्दों में यह भी निर्देश देते हुए बताया कि किसी भी हालत में धर्म जाति महजब के आड़ में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा गिरजाघर में राजनीतिक सभा नहीं होगी। शहर के सरकारी जगह पर राजनीतिक दल के होर्डिंग को भी हटा दिया गया है। उन्होंने कहा अगर किसी निजी घरों में भी राजनीतिक पोस्ट लगते हैं तो उसके लिए मकान मालिक से उसके जमीन का कागज जमा करना होगा। साथ ही उन्होंने कहा अगर हवाई सेवा से राजनीतिक दल के नेता सभा को संबोधित करने आते हैं उसके लिए लिखित आदेश लेना अनिवार्य है। 144 धारा के तहत और आचार संहिता के तहत सभी नियमों का पालन करना होगा। के द्वारा आज चुनाव की घोषणा कर दी गई है और आज से ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया है। धारा 144 लग गया है जिसमें कि 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का कहीं भी मजमा वो अवैध करार दिया जाता है। यानी कि कहीं भी कोई सभा होगी, कोई जुलूस होगा, कोई एग्रीगेशन होगा तो उसकी अनुमति पूर्व में ही SDO से लेना पड़ेगा और उसको पालन अनुपालन करना मैंडेटरी होगा। अन्यथा धारा 144 के उल्लंघन के साथ साथ यदि इलेक्शन संबंधित कोई वहाँ बैठक चल रही है तो उसमें हम लोग इलेक्शंस के डिफरेंट सेक्शंस के तहत उसमें IPC के सेक्शंस भी हम लोग इम्पोज करेंगे। आप अवगत हैं कि अभी जैसे ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो जितने भी सरकारी हमारे परिसर हैं वहाँ बैनर पोस्टर यदि किन्हीं का लगा हुआ है उस बैनर पोस्टर को हम लोग रिमूव करते हैं। उसके लिए 24 घंटे का वक्त दिया गया है। साथ ही किसी निजी घर पे, किन्हीं के निजी घर पे कोई बैनर पोस्टर लगा हुआ है तो संबंधित बैनर पोस्टर लगाने वाली व्यक्ति का दायित्व तो होगा कि उस घर के मालिक से वो परमिशन ले कि इस खाता खेसरा की जमीन पर और जिसकी चौहद्दी ये है कि हम यहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं उनकी अनुमति लेना मैंडेटरी है। यदि वो अनुमति नहीं लेते हैं और वो जो घर के मालिक हैं वो कंप्लेन करते हैं तो उसमें डिफरेंट सेक्शंस के साथ साथ हम लोग भवन निरूपण यानी पब्लिक प्रॉपर्टी के निरूपण के लिए भी हम लोग उसमें सेक्शंस को इम्पोज करके FIR करेंगे। जो भी धार्मिक स्थल है वहाँ निर्वाचन संबंधी प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। कोई भी जो लाउड स्पीकर है वो चुनाव प्रचार के लिए परमिशन लेना मैंडेटरी है क्योंकि उससे हम लोग एक्सपेंडिचर भी काउंट करते हैं। और दूसरा कि कई वाहनों पे लाउड स्पीकर लगा होता है तो वाहन पे तब तक लाउड स्पीकर नहीं अलाउ कर सकते हैं जब तक कि SDO का परमिशन उस पर नहीं हो क्योंकि तो वाहन के पे खर्च में हमें शामिल करना पड़ता है। यदि लगा हुआ है किन्हीं के वाहन पे तो उसको रिमूव करेंगे। बिना SDO के परमिशन से वो वाहन पे लाउड स्पीकर नहीं लगा सकते हैं। और मैं आपके माध्यम से समस्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं उनसे मैं अनुरोध करूँगा जिनको कभी ब्रीफ भी किया गया है कि इस मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करें। हमने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की कॉपी है हमने प्रोवाइड करा दिया है और उस प्रोवाइड करने के बाद वो लोग उसको अनुपालन भी करेंगे। हम लोगों ने अभी ब्रीफ भी किया है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तो अभी लग गया है। हमारे यहाँ जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन